हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन ने एक सिंपल एनिमेशन बनाई थी और एक स्टोरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स और यहाँ वेरिएबल्स, ये मोस्टली आपको गेम्स बनाने में काम आता है। जैसे कि अपन एक सिंपल गेम बना सकते हैं जो कि मतलब एक सिंपल, जैसे आप कोई भी गेम बनाते हो तो उसमें स्कोर लगाने के लिए आपको वेरिएबल्स काम आएंगे। और फिर ऑपरेटर्स में जाके आप ये पिक रैंडम वाले लेते हो और ये सब बहुत काम आते हैं, लेसर ग्रेटर और इक्वल। और ये ऑपरेटर्स अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और यहाँ पे ये सब भी काम आएंगे, एंड और नॉट जॉइन लेटर लेंथ। फिर मॉड वाले काम आते हैं यहाँ पे, ये देखो मॉड राउंड भी काम आते हैं और ये भी बहुत काम आता है। ये देखिए यहाँ पे ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले When green flag is clicked, then अपन एक वेरिएबल बना सकते हैं जो कि होगा स्कोर अपना। और ये जो हमारा स्कोर है इसको अपन सेट कर देंगे 0 पे, जो कि अपन बनाएंगे बस ऐसे भागने वाला, मतलब ये रन करते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरएवर लूप लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला लेंगे जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और कंट्रोल में जाके अपन एक वेट वाला ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये धीरे 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 कॉस्ट्यूम चेंज करता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए धीरे 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 जा रहा है। हम इसकी स्पीड और कम कर सकते हैं, जैसे 0.5। यहाँ पे से देखिए आप एक सिंपल एनिमेशन बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ से चल रहा है। और अभी अपन एक गेम बनाएंगे जो कि होगा अपना मेज वाला। मेज मतलब जैसे समझिए कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे से पूरे मेज होगी और मेज की इधर से ऐसे घूम घूम के उसको लास्ट में पहुँचना है। तो इसके लिए पहले अपने को एक बैकड्रॉप चाहिए होगा जो अपन पेंट करेंगे। इस बार बैकड्रॉप मैं यहाँ से लूँगा, जस्ट लाइक पिंक कलर इज गुड, दिस वन इज गुड। और यहाँ पे से आप ऐसे पेंट कर सकते हो बैकड्रॉप्स को और स्प्राइट्स को भी बना सकते हो ऐसे सिंपल। और यहाँ पे अपन एक मेज का बनाएंगे, मतलब थोड़ा उल्टा सीधा दिखना चाहिए वो, इधर से भी जा रहा है, मतलब ऐसे लाइंस बनाएंगे, लाइंस के इधर से वैसे मूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ऐसी लाइन बनाऊँगा, यहाँ पे हमारा मेज बन चुकी है। अब मैं इसको, मतलब ये जो हमारा स्प्राइट है इसकी मैं साइज इसके अंदर से जाने के जैसी कर देता हूँ, मतलब थोड़ा कम, 20% नहीं, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 35 सही है।
मतलब पहले देख लेते हैं यहाँ सब जगह से जा सकता है कि नहीं। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से जाएगा। यहाँ से इसमें जा, इसको जाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसकी साइज़ थोड़े और छोटे कर दूँगा, 33। देखिए अभी यहाँ से जा पाएगा इजीली। यहाँ से यहाँ से कहाँ से और हाँ सही है। तो अब अपन बोलेंगे कि सबसे पहले इधर है ना, और फिर धीरे 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 अपन जब इसको एरो की से मूव कराएंगे तब ये इधर से जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एरो कीज वाला कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल बनाया स्कोर, और ये तो सही है। और अपन बोलेंगे मोशन में जाके सबसे पहले जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तब यहाँ पे जाना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब हम इसको बोलेंगे कि जब हम एरो कीज यूज़ करें तब मूव करना, तो अपन बोल सकते हैं when keys pressed right arrow तो change x by 10 नहीं 5। और अब इसको डुप्लीकेट कर देंगे, इसको लेफ्ट। मैं आपको सिंपल बेसिक गेम्स बता रहा हूँ क्या क्या बन सकते हैं। ये हो जाएगा -5, और इसको डुप्लीकेट करेंगे और ये हो जाएगा अप एरो। अब इसको चेंज एक्स नहीं कर सकते क्योंकि जब अपन एक अप एरो ये करेंगे तब वो देखो अब ऊपर नहीं जा रहा है, खाली लेफ्ट में जा रहा है देखो। तो हम इसको चेंज वाई करेंगे, जो कि आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो चेंज वाई बाय 5, और इसको डुप्लीकेट करेंगे डाउन एरो इधर, और इधर चेंज वाई बाय -5। तो जैसा भाई आप देखोगे मैं डाउन एरो यूज़ करता हूँ तो इधर जा रहा है, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो। तो अब हम इसको चाहते हैं कि ये देखिए ये यहाँ से भी पार हो जा रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये कितना आगे जा रहा है, हमें उसको ऐसा नहीं कराना है। तो हम इसको बोलेंगे, और हाँ एक चीज़, जब देखो ये लेफ्ट एरो की ये कर रहे हैं तो वो लेफ्ट में तो जा रहा है पर पीछे ऐसा लग रहा है वो पीछे से ऐसे उल्टा जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन इन राइट एरो इन 90, और इधर पॉइंट इन डायरेक्शन -90। और हम इसकी रोटेशन स्टाइल भी राइट लेफ्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये देखिए जब मैं लेफ्ट एरो क्लिक करता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है। तो अब हम बोलेंगे कि जब ये ब्लैक लाइन को टच करोगे तब वापस से इधर आ जाना, जैसे समझो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे से इसको लेके जा रहा हूँ, अगर किधर भी ब्लैक लाइन को टच करेगा तब वापस से ये यहाँ पे आ जाना। तो हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल में जाएंगे और इफ़ वाला स्टेटमेंट लेंगे, और मैंने आपको जैसे बताया था सेंसिंग का अपने को गेम्स बनाने में बहुत काम आता है, तो ये टचिंग कलर वाला जो है ये भी बहुत काम आएगा। जैसे टचिंग कलर, अपने को ये कलर नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से इसको सेट कर सकते हैं ऐसे,
और दूसरा एक तरीका है जो मतलब आपको स्पेसिफिक एक ही कलर चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसके ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ डार्क हो गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सर्कल आ गया है, तो आप इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा कलर चाहिए। जैसे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ दिस कलर, तो एक मिनट मैं इसको फुल ज़ीरो कर देता हूँ। तो हाँ, जब ये ब्लैक लाइन को टच होएगा तब हम इसको फॉरएवर रख लेंगे, क्योंकि फॉरएवर कभी भी मतलब हो सकता है, हमको ऐसा नहीं चाहिए कि एक ही बार टच करे और फिर यहाँ पे आ जाए, फिर नहीं तो जो हमारा कंप्यूटर है अगर एक बार उससे टच हो गया तो फिर वो और कुछ नहीं करेगा, फिर वापस वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉरएवर में रखेंगे, हमेशा ये चेक करते रहना कि इफ़ दिस कलर इज टच्ड बाय दिस स्प्राइट देन इसके अंदर अपन जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो अपन बोलेंगे कि ग्लाइड ग्लाइड टू दिस पोजीशन, जो इधर की पोजीशन है वो इधर पोजीशन आएगी, जो होगा -213 इधर, और ये हो जाएगा 149। तो जैसा अभी आप देखोगे, नहीं अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी ग्लो नहीं कर रहा है, अभी अपन ने ग्रीन फ्लैग क्लिक नहीं किया। देखो मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ग्लाइड हो जा रहा है। देखिए जैसे मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा और जैसे ही ये ब्लैक कलर को टच करेगा, देखिए यहाँ पे देखिए ग्लाइड हो जा रहा है, पर ये थोड़ा लैग कर रहा है। तो अभी अपन बोलेंगे इसको बाहर निकालेंगे और दूसरे फॉरएवर लूप में रखेंगे इसको। तो इससे मतलब क्या होगा, हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होते रहेगी। नहीं वैसे तो मतलब अपन ऐसा नहीं चाहते कि हमेशा ऐसा चलता रहे, अपन बोलेंगे ऐसा और वेट 5 सेकंड्स चलेगा अपने को। हाँ वेट फॉर 0.1 सेकंड्स के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा होगा कि धीरे धीरे चलेगा। अब हम बोलेंगे इसको इधर से डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि यह अपन लेफ्ट एरो में भी कराना चाहते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देखिए ये इजीली कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, और अभी अपन ने ये वाला लूप लगाया नहीं है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ग्लाइडिंग 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 0.7 सेकेंड्स, तो थोड़ा जल्दी ग्लाइड करेगा। ये देखिए ये यहाँ से जा नहीं पाएगा, और ग्लाइड से अच्छा अगर हमें जल्दी जल्दी इसको कराना है तो हम बोल सकते हैं गो टू दिस पोजिशन -213 और इसे 149। ये सर यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही इसे टच करेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे टच करने जाएगा वैसे ही वहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम इसको बोल सकते हैं देखिए हमारी बिल्ली यहाँ से अब जा सकती है इजीली। ये हमारा बन गया एक सिंपल मेज का गेम, और हम क्या बोलेंगे एक इसके लिए गिफ्ट तो होना चाहिए, इसने पूरा मेज कंप्लीट किया है, सब यहाँ पे आ गए तो एक गिफ्ट होना चाहिए। तो हम एक गिफ्ट सिलेक्ट करेंगे, एक अच्छा सर्च करूँगा मैं अच्छा एक गिफ्ट। ये देखिए यहाँ पे गिफ्ट का अपने को मिल जाता है ये। तो अब ये देखिए बहुत बड़ा साइज़ है इसका, मैं इसको करूँगा 40%। हाँ 40% सही है, और मैं इसको रखना चाहूँगा इधर,
ये सब घूम के यहाँ से ऐसे अंदर आएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा, और हम इसमें भी बोल सकते हैं अप और डाउन एरो में कि कॉस्ट्यूम चेंज करते रहना। और इसमें भी तो यहाँ देखिए, ये धीरे 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 जाएगी हमारी कैट। अब आप सोच रहे होगे मैंने तो एक सिंपल गेम बना दिया, पर मैंने इस स्कोर का यूज़ नहीं किया अब तक। तो हम स्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, पहले तो मैं ब्लॉक्स को क्लीन कर लेता हूँ, एक लाइन में लगा देता हूँ इनको। अब यहाँ पे जैसे ही वो कलर को टच करेगा, चेंज कर देना हमारा स्कोर बाय -1। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, वेरिएबल्स में जाएंगे, चेंज, और माय वेरिएबल की जगह आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे अपन करेंगे स्कोर और इसको -1। इसको ऐसे करेंगे और फिर हम बोल सकते हैं, अब हम ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे इसे। अब वो तो ठीक है कि यहाँ तक ये जा रहा है, ये यहाँ तक चला गया, पर जैसे आप बोलोगे कि अगर ये 5 बार समझिए ये ब्लैक लाइन को टच कर दिया, तब तो गेम ख़त्म कर देना। तो हम बोलेंगे, इसको एक मिनट डुप्लीकेट कर लेंगे और ये हटा देंगे, ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। हमको क्या चाहिए? वैन ग्रीन फ्लैग इज क्लिप्ड फॉरएवर, ये इफ देन वाला कंडीशन चेक करते रहना। और इसमें अपन बोल सकते हैं ऑपरेटर्स में, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये ग्रेटर देन है, ये लेसर देन, और यहाँ पे इक्वल। तो हम बोल सकते हैं लेसर देन, और यहाँ पे जो 50 है उसकी जगह हम बोलेंगे -5। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में जाएंगे हम, और यहाँ पे देखिए हमारे जो स्कोर का ये है, इसको हम इधर ड्रैग करके रख सकते हैं। तो मतलब जब स्कोर हमारा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारा स्कोर है -7 फॉर एवर। मतलब जब हम वापस से ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तब ये कमांड एग्जीक्यूट होएगी। ये देखिए ये ग्लो कर रही है, पर ये ग्लो नहीं कर रही है क्योंकि अभी ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो हम बोलेंगे कि जब स्कोर हो जाएगा हमारा -5 से कम, तब बोलेंगे हम कि स्टॉप ऑल। तो और कुछ अभी हम ये यूज़ नहीं कर सकते, फिर ये सब हम उसको मूव नहीं करा सकते। तो हम बोल सकते हैं कंट्रोल में आएगा वो अपने को स्टॉप ऑल का। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टॉप ऑल, ये स्टॉप ऑल क्या करता है, जब भी मतलब कुछ हम इसको कंडीशन रखते हैं और अगर वैसा हो जाता है, तब ये स्टॉप कर देता है सब कुछ। मतलब सब कुछ जो भी मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, गेम चल रहा है, कोई एनिमेशन चल रही है, तो वो सब कुछ बंद कर देगा ये। मतलब समझिए हमारा ये स्टॉप बटन जैसा हो जाएगा, पर ये ऑटोमेटिक होगा, मतलब कंप्यूटर ही करेगा इसको। और हम बोलेंगे कि जब ये गिफ्ट को टच करेगा, तब बोलना थैंक यू, क्योंकि हमने उसको मूव कराने में मदद की है। ये मूव होते होते जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, और फिर जब इसे धीरे धीरे करके जब ऊपर जाएगा, तब जब ये गिफ्ट को टच कर लेगा, तब हम इसको बोलेंगे थैंक यू। तो हम बोल सकते हैं, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और स्टॉप ऑल रखेंगे हम यहाँ पे, और ये जो लेसर देन वाला है और स्कोर, ये अपन इसको बाहर निकाल देंगे। और सेंसिंग में हमने को मिलेगा
इफ टचिंग माउस पॉइंटर वाला, पर हमको इधर माउस पॉइंटर नहीं चाहिए, तो हम बोल सकते हैं इफ टचिंग गिफ्ट। देखिए आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाएगा, ये देखिए यहाँ पे गिफ्ट, इफ टचिंग गिफ्ट देन से थैंक यू, थैंक यू और फिर स्टॉप ऑल कर देना। फिर जैसे समझिए यहाँ पे आया, हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमको भी ये नहीं चाहिए, ये हो जाएगा तो हमारा स्कोर अभी -13 है तो कुछ चलेगा नहीं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जब भी टच करेगा गिफ्ट को तब हम बोलेंगे थैंक यू और गेम ख़त्म। गेम ख़त्म हुआ नहीं अभी, जैसे यहाँ पे गए थैंक यू हो गया और बस स्टॉप ऑल नहीं हुआ वो। हाँ अगर हमें स्टॉप ऑल कराना है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि राइट एरो से करना लेफ्ट एरो से करना, क्योंकि ये हम नहीं करा सकते। हम बोलेंगे इसको तो रखेंगे, इसको रखेंगे, ये देखिए ये है राइट एरो का, ये है लेफ्ट एरो का, हम इन दोनों को निकालेंगे और कंट्रोल में जाके इफ़ वाला स्टेटमेंट लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको सेंसिंग में भी मिलता है वो ऑप्शन, सेंसिंग में वो। हाँ एक मिनट, पहले तो मैं फॉरएवर लूप ले लेता हूँ, फॉरएवर इधर और फॉरएवर इधर, इसमें भी इफ देन वाला लेंगे और सेंसिंग में हमको मिलता है देखिए ये कीज प्रेस्ड, ये देखिए ये वाला इफ राइट एरो इज प्रेस्ड और इधर इफ लेफ्ट एरो इज प्रेस्ड। तो इवेंट्स में जाके इधर ग्रीन फ्लैग क्लिक करा देंगे इनसे, एक्सटेंड यहाँ पे मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक, देन ग्रीन फ्लैग क्लिक और सेम इधर हम अप एरो में भी करेंगे और डाउन एरो में भी। तो पहले इसमें निकालते हैं इन ग्रीन फ्लैग क्लिक और कंट्रोल में जाएंगे, इफ वाला लेंगे, इसमें भी इफ लेंगे। तो ये वाला हमको एक ऑप्शन देता है कि सब कुछ स्टॉप करा सकते हैं हम इससे, इधर अप इधर डाउन और फॉरएवर लूप लेंगे दोनों में। यहाँ पे ये यहाँ ये हो गया, जैसे अभी आप यहाँ पे देखो, मैं पहले सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ये और ये। और हाँ हम ये भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये देखिए थैंक यू हो गया। अब वो ना तो मूव कर रहा है मेरे एरो कीज दबाने पे, और यहाँ पे आपका ये बन गया सिंपल गेम क्लीन अप ब्लॉक्स। आपको चाहिए तो आप बीच में ऑब्स्टेकल्स और डाल सकते हो, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर उसको टच कर दिया तो वापस इधर जाना और बहुत कुछ, मतलब वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोशन में जाएंगे और ग्लाइड इन 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन वाला है, उसको आप ले सकते हैं और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ये सब किया कि नहीं। ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, वो मतलब रैंडमली ग्लाइड होता रहेगा और अगर हमारी बिल्ली उसको टच करती है तब वापस वो इधर चली जाएगी अपने स्टार्ट पोजिशन पर। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा सिंपल गेम। और हाँ वेरिएबल्स के बहुत सारे यूज़ आते हैं, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आप बना सकते हो स्कोर, फिर आपने बहुत सारे इसमें देखे होंगे लाइव्स भी हो सकते हैं, मैं इधर स्कोर की जगह लाइव्स ले सकता हूँ, और भी मतलब होते हैं बहुत सारे गेम्स में, जैसे आपने देखा होगा
एक्स वेलोसिटी, वाई वेलोसिटी आप चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह से हमारा ये वीडियो एंड करते हैं, होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।